दोस्तों मैं ये मेरे पास दो क्या हुए हैं तो इनको चार्ज करना है। वैसे तो मैं इनको रिफिल भी करता हूँ लेकिन इनकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो पहले इनको चार्ज करेंगे। तो इनको चार्ज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। दोनों सेम तरीके से खुलते हैं और काफ़ी अलग भी होते हैं अलग तरीके से खुलते हैं लेकिन इनको खोलने का मैं आपको मेथड बताता हूँ। पहले हम इसको खोलेंगे। ये है आई गेट किंग आइसबेरी। तो इसको बड़े प्यार से ताकि इसका फिल्टर ना टूटे इसको ऐसे करें और फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 थोड़ा सा इस तरफ से भी थोड़ा सा इस तरफ से। और अब हम लेंगे अपना लाइनर वाला पेचकस जिसकी टिप ऐसी होनी चाहिए माइनस की जैसी। तो यूं 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 और यूं आप देख सकते हैं दोस्तों ये ना थोड़ा थोड़ा सा खुलने लग गया है। तो मैं आपको बड़े प्यार से खोलना है इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो इसका फ़िल्टर टूट जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा जो स्मोक को फ़िल्टर करता है। ये हमारे इसके दोनों वायर आ गए हैं बाहर। तो अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे नहीं करेंगे अब हम इसको इधर से बैक साइड से भी खोलेंगे। कहाँ से बैक साइड से। ये आ गया दोस्तों ये इसका फ़िल्टर होता है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करना है। हम इसको खोलेंगे बैक साइड से। ये अब हमने इसको लिया इसके लिए मेरे को बड़ा वाला माइनस चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा वाला माइनस ये कुछ बड़ा माइनस ऐसा होता है लाइनर के जैसा सिंगल चिमटी होती है ये। कई बार दोस्तों दांतों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है थोड़ा सा दांत से भी खोलेंगे। तो अब हम इनका से मैंने लूज कर दिया दांतों से। इसको तरीके से खोलना दोस्तों तोड़ मत देना क्योंकि नीचे इसका सेंसर होता है। मैं आपको सेंसर भी दिखाऊंगा दोनों। ये दोस्तों खुल चुका है लगभग थोड़ा सा दांत से खींच लेंगे इसको। ये देखो दोस्तों ये मेरा ये खुल गया है। और मैं इस वाले सेंसर की बात कर रहा था दोस्तों। ये जो सेंसर है ना मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इस पर हल्की सी फूंक मारेंगे तेज से तो इसकी लाइट जलेगी। देख रहे ये काम करता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे हम इसको इधर से धक्का मारेंगे उंगली से मारेंगे कोई नुकली चीज़ से नहीं मारेंगे नहीं तो ये फूंक भी सकता है। ये हमने दोस्तों निकाल लिया। और दोस्तों आपको क्या करना है एक लेनी है डाटा केबल कोई भी आप डाटा केबल ले लीजिए और डाटा केबल को काट लेना है। नेगेटिव और पॉजिटिव इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जहाँ पर रेड वायर लगे वहाँ पर रेड को लगा दीजिए और जहाँ पर वाइट या ब्लैक है उस तरफ वाइट या ब्लैक लगा दीजिए। तो मैं क्या करूँगा तो पहले नंबर पे चलूँगा दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ से। रेड वाली वायर आपको इस तरफ शोल्डर करनी है और जो दूसरी वाली वायर है वो आपको इस तरफ शोल्डर करनी है। लेकिन दोस्तों याद रखें गलती से भी दोनों तार टच ना हो क्योंकि अगर टच हो गई तो ये पूरी वायरिंग आपको चेंज करनी पड़ सकती है। तो मैं क्या करूँगा पहले
तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि ये रेड वाली वायर है, तो आप देख सकते हैं इस तरफ जो है ना बैटरी की इस तरफ रेड वायर लगी हुई है, तो हम इस तरफ रेड वायर को लगा देंगे। ये मैंने इस तरफ रेड वायर को लगा दिया और इस तरफ मैं लगाऊंगा ब्लैक वायर को, यानी कि नेगेटिव, और ये मैंने लगा दिया नेगेटिव को इस तरफ। मैंने इसको लगा दिया इस तरफ। अब हमको क्या करना है, डाटा केबल लगानी है चार्जर में अपने आप, किसी भी नॉर्मल अडेप्टर में डाटा केबल लगा सकते हैं। और ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया, इसकी कोई टेस्टिंग नहीं, कोई चेक नहीं, लेकिन चार्ज होना स्टार्ट हो गया। आपको ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक इसको लगा के रखना, 5 मिनट में आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा लगा के रखेंगे तो हो सकता है आपकी बैटरी ख़राब भी हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके 5 मिनट पूरे हो गए हैं, तो अब ये चार्ज हो गया होगा, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हम पहले क्या करें, डाटा केबल निकाल लेंगे। डाटा केबल मैं निकाल लिया, वापस लगाना पड़ेगा। और ये रेड वाली वायर तो लगी हुई है, तो ठीक है, और हम इधर टेप वापस लगा देंगे ऊपर से, और हम क्या करेंगे इसको वापस डाल देंगे। ये हो गया फुल्ली चार्ज, अब इसको सीधा और उल्टे का ध्यान रखेंगे। ये लगा दिया दोस्तों मैंने इधर, और इसको सेंसर को हमको इसमें ही लगाना है। ये हमने सेंसर को लगा दिया इसमें, और हम इसको कर देंगे पैक, और इसको दोस्तों ऐसे करके मार देना सेट। ये देखो दोस्तों ये चार्ज हो गया। ओके, सक्सेसफुल है भाई।